नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। बैंक की तैयारी करने के लिए और इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बैंक से संबंधित दो छोटी छोटी क्लासें हम ले चुके हैं, जिसमें अपने बैंकिंग का सपना, बैंक में जाकर आप अपना सपना साकार करिए वहाँ पर, और एक और 25 का गुणा सिंपल सा एक संडे के दिन था। आज से हमारी जो मेन क्लास शुरू हुई है उसके बारे में। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है मैथ्स में कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, हम जो लेंगे मॉक टेस्ट, ठीक है, ये मॉक टेस्ट का जो काम होगा वो रहेगा आपका गुरुवार से। गुरुवार, आज क्या वार है? सोमवार, ठीक है। तो गुरुवार से आपका मॉक टेस्ट रहेगा, और गुरुवार से आपका, गुरुवार का मतलब होता है, तारीख क्या हो रही है बताइए। देखिए, आप रीजनिंग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि अगर सोमवार को 17 तारीख है तो फिर गुरुवार को कितना होगा, ठीक है, कितना होगा, 17, 18, 19 और 20, ठीक। तो आपका कितनी तारीख है गुरुवार को, कितनी तारीख है, 20 तारीख है ना। गुरुवार को कितनी तारीख है, 20 तारीख। और चलिए, 20 अगस्त 2020 से आपका मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे। मॉक टेस्ट वन आपको रहेगा गुरुवार से। इस मॉक टेस्ट होने के बाद इसमें 40 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, 40 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे, और उसके बाद, और ये मॉक टेस्ट कहाँ रहेगा, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये बात ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी जो ऐप है, एक ऐप है, उस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। अभी उसमें डेवलपमेंट का काम चल रहा है, पर आप उसको इंस्टॉल करके आप उसमें अपना ईमेल आईडी, नाम ये सब डालेंगे तो आपका वो ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद उसी में मॉक टेस्ट का एक ऑप्शन है, वहाँ पर रहेगा। उस मॉक टेस्ट को आप अभी दीजिएगा और उसके बाद उसका पूरा सॉल्यूशन आपको, वीडियो सॉल्यूशन यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल, हम सोम, मंगल और बुध, हमारे पास 3 दिन है पूरे तरह से हमारा कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जो सिंपल सी चीज़ें जो हैं मैं आपको सिखाऊँ। सबसे पहले हमारा आता है बैंक में 9 टेबलेट्स, ध्यान रखिएगा, जिसको हम कैलकुलेशन को बेस्ड बनाना है, ये 9 टेबलेट्स हमें पढ़ना है, ठीक। आप मेरी इस क्लास में बैठ रहे हैं तो अपना एक रफ नोटबुक और अपना पेंसिल, अपना कॉपी पूरा लेके बैठिए, जहाँ पे पेन, ये पूरा है। आपको ना तो कोई बुक खरीदना है रीजनिंग की, ना ही मैथ्स की खरीदना है, कुछ भी नहीं। अभी प्री के लिए आपको फुल यहाँ पे इस वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट रहिए। आपको मैं बताऊंगा कि आप अगर 1 घंटा पढ़ेंगे तो आपको 12 घंटे अपने आप पढ़ने जैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले है 9 टेबलेट्स, इसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। 9 टेबलेट्स का मतलब होता है 9 गोलियाँ। गोलियाँ का मतलब होता है टेबलेट जो खाते हैं ना अपन, बुखार आ गया तो खा लिया, इस प्रकार खांसी हो गया तो खा ली। तो इस प्रकार से आपको 9 टेबलेट्स है, यानी यू हैव टू टेक 9 टेबलेट्स एवरी डे। और कितनी देर के लिए लेना है, आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे के लिए अगर 9 टेबलेट्स रोजाना अगर आपने तैयारी करी तो ये ध्यान रखिएगा आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। इसको 9 टेबलेट्स को इस प्रकार से डिजाइन, अच्छा 9 टेबलेट्स को किस प्रकार से करना है वो हम आपको ऑनलाइन की क्लास में भी लेके बिल्कुल आपको बताएंगे कि किस प्रकार से करना है, ठीक है, PPT पे हम करवाएंगे आपको। तो 9 टेबलेट्स में सबसे पहले जो आती है वो है एक अंक की संख्या में को एक अंक की संख्या से जोड़ना, संख्या से जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी एक अंक की संख्या को एक अंक की संख्या से जोड़ना, यह बिल्कुल लिखिएगा आप, बिल्कुल एकदम माइलस्टोन बनेगा आपका। और नॉट ओनली बैंकिंग, आप दूसरी कोई सी भी एग्जाम की तैयारी करोगे, कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो एक अंक की संख्या को एक अंक की संख्या से जोड़ना, यानी आपको पता होने 9 और 6 15 होते हैं, 7 और 5 12 होते हैं, 8 और 7 15 होते हैं, 6 और 7 13 होते हैं, 6 और 9 15 होते हैं। ये आपकी फास्ट होना चाहिए, यानी कि जरूरत बहुत पड़ती है, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि देखो, अच्छा ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूँगा, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए
ट्रिपल पी फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा फार्मूला? ट्रिपल पी। ट्रिपल पी का मतलब होता है अगर यू वांट टू बी सक्सीड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर सक्सीड होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो ये ट्रिपल पी फार्मूला ध्यान रखिएगा। आपका ग्रेजुएशन किसी से भी हुआ हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, बी कुछ भी हुआ हो, पर अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे, और यहाँ पे हमारा जो फुल कॉन्सेंट्रेशन है बैंकिंग के लिए, तो उसके लिए सफल होने के लिए ट्रिपल पी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पी इज कॉल्ड प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट पी इज कॉल्ड प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? विधि, है ना। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? विधि। विधि का मतलब होता है किसी विधि को जानना, है ना, किसी विधि को जानना, को जानना। प्रोसेस का मतलब होता है विधि। विधि को जानना का मतलब होता है, देखो फिर एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपको। मैं कहूँगा कि 100 मीटर दौड़ना है, तो 100 मीटर दौड़ने के लिए क्या होता है? ट्रैक सूट पहना, सॉक्स पहने, शूज़ पहने, और ट्रैक पे खड़े होकर ऐसे ऐसे करो और दौड़ जाओ, 100 मीटर दौड़ना। इट इज़ कॉल्ड प्रोसेस। किसी सवाल में क्या करना? अच्छा ऐसा सवाल आया तो क्या करना? इस संख्या में इस संख्या का गुणा करना और भाग दे देना, उत्तर आ जाएगा। इट इज़ कॉल्ड प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है विधि। यानी आपको सब्जी बनाना है, सब्जी बनाने में क्या करना है? ये करना है, प्याज डालना है, उसमें मिर्ची डालना है, नमक डालना है, सब्जी डालना है, और सब्जी बन जाएगी। इट इज़ कॉल्ड प्रोसेस, ठीक है। तो किसी भी विधि को जानना पहला पी का काम है। विधि तो आना चाहिए आपको, ठीक है। सेकंड पी रिप्रेजेंट्स प्रैक्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास, ठीक है। और किसी भी चीज की प्रोसेस जानने के बाद उसके ऊपर अगर जितना वर्क करेंगे इस कॉल्ड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। 100 मीटर दौड़ना हर कोई चल सकता है, सबको विधि पता है, पर 100 मीटर को विद इन टाइम दौड़ना, जो टाइम आप निर्धारित कर रहे हैं उस टाइम के अंदर दौड़ना, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। और यही प्रैक्टिस थर्ड में आपका बनेगा परफेक्शन। क्या होता है? परफेक्शन। और परफेक्शन का मतलब होता है पूर्णता। अब इसको देखें तो इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों पी का प्लस इसके होता है, और इट कंट्रीब्यूट्स ओनली 10% और इट कंट्रीब्यूट्स 90% इस कॉल्ड परफेक्शन। का मतलब यहां पे आपको सक्सेस से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी चीज को जानना ओनली कंट्रीब्यूट्स 10% एंड 90% प्रैक्टिस। इसलिए प्रैक्टिस मैक्स एम एन परफेक्ट, ये कहावत भी आपने सुनी होगी कि अभ्यास आदमी को पूर्ण बनाता है। तो अभ्यास करेंगे, और यहाँ पे प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, और बैंकिंग में ये पोर्टफोलियो और भी बढ़ जाता है। मैं इस बात को ध्यान रखता हूँ, ये जनरल है। अगर बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट कंट्रीब्यूट्स ओनली 1% एंड 99% आपका प्रैक्टिस होती है। ये बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं आपको, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आज पहले ही दिन प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस का मतलब होता है जो चीज़ आपको आती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रैक्टिस? टू डू डिफरेंट थिंग्स इन एवरी डे इज कॉल्ड प्रैक्टिस। हर चीज़ अलग अलग चीज़ को आप अलग अलग दिन रोज अलग अलग करो, नहीं, प्रैक्टिस नहीं। जो चीज़ आप जानते हो उस चीज़ को रोजाना करना इज कॉल्ड प्रैक्टिस। यानी आपको पता है कि मुझे ये गुणा आता है, पर उसको और जोर फास्ट करना, और फास्ट करना। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका टाइम क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए, ओके। अब यहां पे हम बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, छोटी छोटी चीजें लिखा करिए। आप एक अपना रफ नोट, इस वीडियो को देखते तो अपना अपना रफ नोट बुक लेके बैठिए, जिसमें दो खाली जो ये कॉपी लेके बैठी है, जिसमें एक मैथ्स का रहेगा, एक रीजनिंग का रहेगा, और ये एक बिल्कुल आप अपना चैप्टर, अगर आप पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं प्लीज स्टार्ट इससे करिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब मैंने अपनी बैंक की तैयारी करी थी तो मेरी कॉपी में सबसे पहले यही लिखा हुआ था, और बस यही खत्म हुआ, 9 टैबलेट्स और मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखिए, बैंकिंग ऑफिसर, क्लर्क, जो भी आपको बनना है, आप प्लीज़ इन चीज़ों को स्टार्ट करिए, ठीक है। नंबर 2, यहाँ पे होगा 2 अंक की संख्या का 2 अंक से गुणा, यानी 22 + 13 = 35, 35 + 12 = 47, 47 + 13 = 60, 60 + 12 = 72, 72 + 28 = 100, ठीक है। इसका मतलब ये समझ रहे, दो अंकों में दो अंकों को जोड़ना आपको फास्ट आना चाहिए, ठीक है। मैं इसके बारे में यहाँ पे बताऊंगा, एक अंक की संख्या को जोड़ना कैसे है, मैं इसके बारे में एक एक डिस्कस करूंगा। अभी तो मैं यहाँ पे 9 ही लिख देता हूँ,
समझ पा रहे हो मेरी बात को? सबसे पहले नो और उसके बाद एक एक को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और डिस्कस बिल्कुल एकदम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये एक बार डिस्कस कर ली, केवल इसको पढ़ना नहीं है, यहाँ पे परीक्षा में लिखना थोड़ी है कि आपको कि मुकेश सर ने जो आपको 9 टेबलेट्स बताई वो लिखी, 1 नंबर मिलेगा, नो। ठीक है, ये प्रैक्टिस करना है। तो 2 अंक की संख्या में 2 अंक की संख्या को जोड़ना, ठीक है, ये फास्ट होना चाहिए। तीसरा बहुत ही प्यारी चीज़, ठीक है, तीसरा क्या है, आपको 4 अंकों की तीन संख्याओं, 4 अंकों की कितनी संख्या है, 3 संख्या, ठीक है, के 5 सवाल को जोड़ना। कैसे, देखो मैं बताता हूं, एक सवाल बता देता हूं, 3 2 3 5 2 + 5 6 7 3 + 2 1 4 6, ये क्या हो गया, 4 अंक की 3 संख्याएं हो गई। ऐसे भी 5 सवाल, मतलब एक और यहां पर आएगा, एक और यहां पर आएगा, एक और आऊंगा, इनको 30 सेकंड में जोड़ने का पावर होना चाहिए। देखो एक बात बताइए कि मैं फिर बता रहा हूं आपको, सेकंड में क्यों बांट रहा हूं मैं, वाई, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, एक बात बताऊं, जोड़ना किसको नहीं आता है, हु डोंट नो, कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं, इसका मतलब होता है तो फिर क्यों करवा रहे। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा जंग किसकी है, समय के साथ जंग है हमारी। तो जब तक हम संख्याओं को समय में नहीं बांधेंगे, मुझे गुणा आता है, आता है तो किसको नहीं आता है भाई, 5वीं क्लास वाले बच्चों को सभी गुणे आते हैं, तो आपकी ग्रेजुएशन पास वाले को हम यहाँ गुणा बोल के क्या कर रहे हैं, नहीं, सब आपको टाइम में आता है कि नहीं आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे समय को बांधना जरूरी है। मैं इनको भी समय में बांधूंगा, मैं आपके सामने जब प्रोजेक्ट पे लेके चीज़ें आऊँगा तो आपको पता लगेगा कि वाकई में इन चीज़ों के लिए क्या चाहिए, समय चाहिए। ठीक है, तो 4 अंकों की 3 संख्याओं के 5 सवालों को जोड़ना, यानी इस प्रकार के 5 सवाल, इनके लिए मैं अलग से पूरा सेशन लेके, मतलब एक एक चीज़ें बताऊँगा पूरा। अभी यहाँ पे आपको मैं जोड़ना बताता हूँ कैसे जोड़ना, जैसे 6, आपकी निगाहें कहाँ रहेगी, यहाँ पे, अभी तो मैं पेन भी लगा रहा हूँ, 6 9 11, फिर हंसी लिए दे दीजिए, 6 13 17, फिर यहाँ पे 2 8 11, 3 8 10, लो साहब ये उत्तर होगी, हो गया 10 ही। अब इसको फास्ट, जैसे निगाहें वहीं पे, क्यों अपन पेन ले जाऊँगा, 6 9 11 6 13 17 2 8 11 और 10, ये हो गया 10 एक्सिक्वेंट, हो गया। इस प्रकार से आपकी प्रैक्टिस फास्ट होना चाहिए सब, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये 5 सवाल 30 सेकंड में होना चाहिए। और मेरी जो क्लास उस समय पढ़ाता था, मैं ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता था उस समय, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 18 सेकंड या 21 सेकंड में इनको करते हैं, और वो आज की तारीख में ऑफिसर हैं बैंक में। तो रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे कि ये चीज़ें बिल्कुल कवर करना, ऑल द थिंग्स प्रैक्टिकली है, ध्यान रखिएगा, मैं थ्योरेटिकली की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारी प्रैक्टिकली है, और ये एक्सपीरियंस है 12 या 13 सालों का। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 4 अंकों की 3 संख्याओं के 5 सवालों को जोड़ना 30 सेकंड में आना चाहिए। उसके बाद होता है वही, 4 अंकों की 3 की जगह लिख लेंगे, 2 संख्याओं के 5 सवालों को जोड़ना की जगह लिखेंगे घटाना, और ये घटाना आपको आना चाहिए 20 सेकंड में। साहब समय सबसे इंपॉर्टेंट है साहब, बिना समय के आप कुछ नहीं कर पाओगे, 20 सेकंड में आपको जोड़ना आना चाहिए, घटाना आना चाहिए। तो कैसे, जैसे कि 3 2 5 4 - 1 2 3 2, अब इसको घटाना है, इसको घटाना है तो कैसे करेंगे, 2 2 3 2 2 0 1 2, हो गया। अब ये कैसे हो रहे हैं सारी चीज़ें, वी विल डिस्कस लेटर, हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक एक को लेकर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, 9 टेबलेट्स को मुझे बताना है, मतलब आपका पहला पूरा हमको कंटेंट्स बताना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें मुझे पढ़ाना है आपको कैलकुलेशन में, फर्स्ट है। चलिए यहाँ पे हो गया, तो इस प्रकार से घटाना आपको क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पे 5वें, 4 अंकों की 3 संख्याओं का, 4 अंकों की 3 संख्याओं के 5 सवालों को जोड़ना की जगह जोड़ना व घटाना, जोड़ना व घटाना, ठीक है, जोड़ना व घटाना। अब ये बोलेंगे कैसे, तो देखिए 3 2 5 4 + 1 2 3 6 - 2 1 4 5, अब इसको करना है। तो आपको पता है इन दोनों को जोड़ के इसके ऊपर टांगोगे करोगे, नहीं, इससे पहले भी हमको कर सकते हैं, क्या होता है, जैसे कि 5
एक पाँच, हो गया, चार माइनस एक चार, एक दो तीन, दो एक दो, है ना, दो एक माइनस एक है दो, ये हो गया इसका आंसर है। अब कैसे डिस्कस करेंगे भाई, एकदम कैसे बता सकते हैं, ठीक है, अधूरा नॉलेज दुनिया का सबसे खतरनाक है, तो मैं अधूरा नहीं, मैं पूरा ज्ञान दूंगा आपका, चलिए ठीक है, इस प्रकार से करना है। मैं आपको यहाँ पे बस टेबलेट्स की छठी टेबलेट, आहा, वर्ग निकालना है आपको, और वर्ग मतलब जिसको बोलते हैं हम स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, मतलब 20 में 20 का गुणा, 21 में 21 का गुणा, 41 में 41 का गुणा, 61 में 61 का गुणा, 71 में 71 का गुणा, ठीक है, 85 में 85 का गुणा, 76 में 76 का गुणा, इट इज़ कॉल्ड स्क्वायर, वर्ग कहते हैं उसको। तो वर्ग जो होना चाहिए वो 100 तक आपको कंठाग्र होना चाहिए, 1 से 100 तक। अब बहुत सारे बोलते हैं अरे सर हमको तो ट्रिक आती है, हम तो कर लेंगे। अब कोई बोलेंगे ट्रिक कैसे, जैसे अब आ गया आपके पास कि माना कि 27 आ गया, सर 27 का वर्ग कितना होता है, तो कोई बात नहीं कर लेंगे सर हम तो कैसे करेंगे, बहुत सारे 27 में 27 का गुणा भी आता है हमको। सर एक ट्रिक भी सिखा रहा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर के साथ से 7 का कितना होता है, 49 होता है, उसके बाद क्या करेंगे, 7 दूनी 14 दूनी 28 और 1 29 होता है, तो 29 का क्या लिखेंगे अपन, ठीक है, साथ ही साथ ही 49 का 9 कितना हो गया, 4 हो गया, तो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और 4 कितना हो गया 22, 22 के 2 निको लिखो और 2 का वर्ग करो 6 और 1 कितना हो गया 7, तो 729 है 27 का वर्ग। मैं कह रहा हूँ कि इतना करने के बजाय आपको याद होना चाहिए 27 का वर्ग कितना होता है, 729, ये याद है सर, मुझे पता है कि हमारी जो क्लास है ऑफलाइन क्लास जो पहले चलती थी उस समय, अभी क्या लॉकडाउन की वजह से सारी चीज़ें क्या होती है अभी, उस समय पूरा मुझे पता है कि वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स को 100 तक वर्ग याद है, कैसे याद है, 41 का 1681, 12 का 144, 25 का 625, 38 का 1444, 13 का 169। आप बोलेंगे सर इधर आपके सामने लिख रखा हो, देख लो भाई, आंखें बंद कर लेता हूँ फिर पूछिए मुझसे, 100 तक पूछिए, 71 का 50-41, 64 का 40-96, 61 का 37-21, बताइए ना आप, सारे चीज़ें आपको याद होना चाहिए, मतलब एक से लगाकर 100 तक के वर्ग आपको पक्के याद होना चाहिए, मैं करवाऊँगा पक्के याद, ठीक है, बिल्कुल, और ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं रोज़ टेस्ट लूँगा इसका, टेंशन मत लेना, केवल स्क्वायर को बोलना कि 100 तक वर्ग याद होना चाहिए और आपने अपनी कॉपी में लिख लिया, नथिंग, इसका कोई मतलब थोड़ी नहीं, मैं आपका टेस्ट लूँगा, आपको डर होना चाहिए कि सर पूछेंगे मेरे से, ठीक है। चलिए 7 नंबर आता है घन, घन का मतलब क्यूब, क्यूब का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का किसी भी संख्या में 3 बार गुणा, उसको क्यूब बोलते हैं, और ये हमें 30 तक आना चाहिए पक्के। अब सोचोगे सर ये कहाँ फिर अपन बंदा कर रहे हैं आप, नहीं सर चीज़ें होना चाहिए, पिछले साल के मुझे पता है, मुझे बैंकिंग सेक्टर में पढ़ाते हुए, बैंकिंग सेक्टर नहीं, मुझे ऑल टाइप से, मैं बैंकिंग को तो यहाँ पे हम स्पेशल ले रहे हैं, बैंक में भाई एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, पुलिस हो, एयरफोर्स, कहीं पर भी, उन सब की एग्जामों में मुझे पता है, उन सारे पेपर को आज से 12 साल तक के लेटेस्ट पैटर्न को आप देख लीजिए, उसमें अगर ये सारी चीज़ें हैं तो मैं कह रहा हूँ मैथ्स लगभग आपको आधी हल्की लगने लग जाएगी, आधी मैथ्स विदाउट एनी टॉपिक आपको हल्की लगने लग जाएगी, केवल और केवल किसके कारण, इस कैलकुलेशन के कारण, ठीक है, ये कैलकुलेशन इतना स्ट्रांग है। तो 1 से 30 तक का क्यूब, क्यूब कैसे, 21 का क्यूब 92-61 होता है, 22 का क्यूब 10-648 होता है, 25 का क्यूब 15-625 होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है, 12 का 1728 होता है, 13 का 2197 होता है, 15 का 3375 होता है, 17 का 4913 होता है, 19 का 6859 होता है, बताइए, 8 का 512 होता है, ये सारी चीज़ें होना चाहिए सर। सवाल परीक्षा में कैसे कैसे आते हैं पता है आपको, यूँ लिख दिया उसने 1728, ये यहाँ लिख दिया, ठीक, और प्लस यहाँ पे लिख दिया उसने 50-41, ठीक। अब बताओ इसका उत्तर बताओ, साहब दिमाग ख़राब हो जाए बच्चों का, कैसे करें इसको, क्यों असर, मेरे को तो 8वीं में पढ़ा है, ये डंडा खींचा क्रॉस खींचा बनाओ उसको, नहीं साहब 1728 का कितना होता है 12, और इसका कितना होता है 71, 71 और 12 कितने होते हैं, मैंने बताया कि दो अंक में दो अंक का जोड़ना फास्ट होता है, तो 71 और 12 कितना होता है 83 होता है, उत्तर लगाया बड़ा साहब, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको केवल ऑप्शन में 83 ढूंढेंगे और आप इसको न जाने कहां तक ले जाओगे। चीज़ें बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है अपने को, और उसके लिए आपको इन चीज़ों को साथ में पढ़ना पड़ेगा। देखिए हम किसी एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, हम UPSC जाते हैं, आप लोग वहाँ पर 3-3 घंटे तक लिखते हैं, तो याद करके जाते हैं तभी तो लिखते हैं साहब,
है ना, याद करके जाते तो भी लिखते हैं, तो आपको भी याद करना पड़ेगा। तो चीज़ें क्या होती है, कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल एकदम मेंटली, भाई एक चीज़ें आपको सब्जी बनाना है, तो आपको बोलोगे कि भाई सब्जी क्या होगा, भाई मुझे आज एक घंटे में सब्जी बनाना है ना, पता चलो कि नहीं मैं तो तरोई के बीज बो रहा हूँ अभी, वो तिरोई उगेगी ना, बेल आएगी ना, उसके बाद उसमें तिरोई लगेगी ना, उसके बाद लगाऊंगा। भाई कुछ चीज़ें तो रेडी रेफरेंस चाहिए ना आपको, भाई सब्जी बनाना तो इसका मतलब ये नहीं मिर्ची, ये तो मैं तो मिर्ची उगाऊंगा सर, तो दो महीने मिर्ची उगेगी उसके बाद सब्जी बनाओगे क्या, नहीं मिर्ची आपको तैयार रखना पड़ेगी इस प्रकार से। आठवां है टेबल। अभी टेबल कौन सी, हम बोलते हैं उसको पहाड़ा। ये पहाड़ा 1 से 30 तक होना चाहिए, यानी 30 तक पहाड़े हमको कंप्लीट होना चाहिए। अब सर ये पहाड़ों से क्या संबंध है, संबंध है साहब, संबंध है इसका, ठीक है। अगर जीवन में 171 दिख जाए तो आपको पता होना चाहिए कि 19 × 9 171 होता है सर। अब ये प्राइम नंबर का पहाड़ा है, समझ पा रहे हो मेरी बात को। अगर आपको 207 दिख जाए तो आपको पता है ये 23 × 9 है, कितना है 23 × 9 है, आपको ये पता होना चाहिए। ये क्या होता है, ये पहाड़ों से याद होगा साहब आपको, आपको पहाड़े ऐसे थोड़ी याद करना कि वो 12 × 12 = 24, 12 × 12 = 24, 12 × 24 = 24, 12 × 3 = 36 ऐसा तो नहीं। आपको पता होना चाहिए कि 12 × 9 = 108 होता है, आपको पता होना चाहिए कि 16 × 5 = 80 होता है, आपको ये पता भी होना चाहिए कि 17 × 6 = 119 होता है ना, 102 होता है ना, 17 × 7 × 119 होता है, 17 × 9 = 153 होता है, ये आपको पता होना चाहिए सर। आपको 23 का पहाड़ा पता होना चाहिए, आपको 29 का पहाड़ा पता होना चाहिए, आपको बल दिया 29 × 5 कितना होता है सर, 29 × 5 आपको पता होना चाहिए कि 145 होता है सर। ये चीज़ें होती है बड़ी, जब एग्जाम में आती है तो बिल्कुल चुटकियों में, और मैं आपको पेपर करवाऊंगा जब मॉक टेस्ट करवाऊंगा तो वहां पे साक्षात उदाहरण दूंगा कि इस प्रकार की चीज़ें होती है, ठीक है, आनंद आएगा आपको। चलिए ठीक है, बिल्कुल जुड़े हो, बिल्कुल शुरुआत करिए तो बिल्कुल आपको अंजाम तक लेके छोड़ेंगे, ये हमारा वादा है, बिल्कुल चलिए हमारे साथ। तो टेबल कहाँ तक होना चाहिए, 30 तक, और 30 तक में बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। 30 तक पहाड़े क्यों याद करवा रहा हूँ, क्योंकि आप जब पेपर करेंगे तब आपको पता चलेगा। और लास्ट एंड फाइनल टेबलेट होता है गुणा। गुणा को बोलते हैं अपन मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई मतलब आपके पास सारे प्रकार के मल्टीप्लाई होना चाहिए। गुणा मतलब होता है 2 अंकों में 2 अंकों का गुणा, 3 अंकों में 3 अंकों का गुणा, किसी भी संख्या में 11 का गुणा, किसी भी संख्या में 111 का गुणा, और उसके बाद 25 का गुणा, 75 का गुणा, 99 का गुणा, 999 का गुणा, इस प्रकार के ऑल टाइप्स हो, जहाँ पे ट्रिक वाले गुणा, जैसे कल हमने 25 का गुणा बताया, तो किसी भी संख्या में 25 का गुणा डेफिनेटली किसी सवाल में आ गया। अगर पूरे 30 सवालों में से 40 सवालों की अगर गणित आया, उसमें से अगर 2 बार भी अगर 25 का गुणा आपके टकरा गया, मैं कह रहा हूँ आपका जीवन सफल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें हैं जो 9 टैबलेट्स आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। अगर ये 9 टैबलेट्स आपने पढ़ ली तो आनंद आ जाएगा। और ये इसको अभी तो केवल लिखवाने का काम नहीं कर रहा हूँ मैं, इसके एक एक ऊपर यहाँ पे भी क्वेश्चन दूंगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन दूंगा, और आपको बिल्कुल ऑनलाइन इन चीज़ों को पढ़ाऊंगा, और आपको बताना है कि मेरे आज कितने नंबर आए साहब। आपको पूरा घिसना है, जितना घिसेंगे उतनी चमक आएगी। सोना महंगा क्यों है साहब, सोना तो पत्थर है सोना पत्थर है, पर क्यों, क्योंकि उसको घिसकर उसको निकालने में जो मेहनत लगती है, उस मेहनत के कारण वो हीरा है, ऐसा वो क्या है, सोना है। तो अपने को भी आपको यहाँ पे सोने जैसा बनाना है, हीरे जैसा बनाना है, इसके लिए आपको पूरी तरह से तराशना पड़ेगा, निखारना पड़ेगा, और उसके लिए रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। अब मैं कभी भी किसी भी बच्चे से यहाँ पे मतलब ऑनलाइन क्लास में पूछ सकता हूँ कि बताइए, चलो बताइए यहाँ पे कि पहली टेबलेट क्या है, दूसरी टेबलेट क्या है। पहली टेबलेट होती है 1 अंक में 1 अंक को जोड़ना, दूसरी टेबलेट होती है 2 अंक में 2 अंक को जोड़ना, तीसरी टेबलेट होती है 4 अंक की 3 संख्याओं का जोड़ और घटाओ। जैसे कि तीसरी टेबलेट 4 अंक वाली 3 संख्याओं के जोड़ को ऐसे 5 सवालों को हमको 30 सेकंड में करना है, उसके बाद ऐसे 20 सेकंड में करना है, और 4 अंकों की 3 संख्या को इसको तो सेकंड भी लिखा भी 40 सेकंड में, और उसके बाद वर्ग, अरे वर्ग को क्या याद करना, इसमें कोई सेकंड थोड़ी है। 21 का बोला 441 आना चाहिए, 22 का बोला 484 आना चाहिए, 45 का बोला 20-25 आना चाहिए, आना चाहिए, ये हो रहा है आपके पास। उसके बाद क्यूब, क्यूब भी आपको स्पॉन्टेनियस आना चाहिए, पहाड़े भी स्पॉन्टेनियस है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में हम क्या हो रहेंगे, इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई बहुत सारे के मिक्स हैं, इसलिए हर मल्टीप्लाई के लिए हम मल्टी जो गुणा है वो पूरा अलग डिसाइड करेंगे। तो इस प्रकार से पूरा जो कंसंट्रेशन है आपकी 9 टैबलेट्स होने, अगर ये हो गई तो मैं कह रहा हूँ मैथ्स की लगभग अपने आधी जान पकड़ ली। ध्यान रखिएगा, वेल बिगुन इज हाफ डन, एक कहावत है वेल बिगुन इज हाफ डन, यानी अगर आपने अच्छी शुरुआत कर ली तो आपने आधे कार्य को अंजाम दे दिया। तो ध्यान रखिएगा, ये बैंकिंग प्रिपरेशन की एक आधी शुरुआत है, ठीक है, आधी शुरुआत है, और ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, और अंत भला तो सब भला, तो उसके लिए तो हम अग्रसर हैं अभी, हमारी तो पहली शुरुआत है, शुरुआत ही, ठीक है।
बिल्कुल, आपको आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें उतार लीजिए। अब यहाँ पे मैं पहले से चलता हूँ, एक अंक में एक अंक को जोड़ना, हाउ टू प्रैक्टिस एट होम। भाई आप सब घर पे ही हो अभी आराम से, और ध्यान रखिएगा वीडियो देखते समय यहाँ पे सभी डिसिप्लिन में होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब बिल्कुल कंफर्ट जोन से बाहर, टेबल कुर्सी पे बैठना, ऐसा नहीं कि सोफे पे टांगे लंबी करके उसके बाद इस प्रकार से बैठो, नहीं सर, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। जब तक आपके जीवन में अनुशासन नाम की चीज़ नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा कुछ भी चीज़ में बदलाव नहीं होगा। भले वो अनुशासन आपका बोलने का हो, आपका समझने का हो, सोने का हो, उठने का हो, आपका पूरा दिन चलने का हो, कहीं भी अनुशासन चाहिए सर, ठीक है। चलिए तो सबसे फर्स्ट है एक अंक की संख्या को एक अंक में जोड़ना, ठीक है। इसके लिए घर पर प्रैक्टिस कैसे की जाए, सब प्रैक्टिस तो आपको घर पर प्रैक्टिस करना, तो कुछ मत करिए, एक गोला बनाइए, 2 3 2 5 छोटा बनाइए पहले, 6 7 3 2 5, ठीक है। इसमें लगभग आपके पास आ गए, अभी इसमें 8 नहीं आया, इसमें 9 नहीं आया, छोटा गोला बनाइए जिसमें लगभग अपनी 5 6 7 संख्या रहे, ठीक है, ये रहे। उसके बाद गोला थोड़ा बना बनाइए जिसमें 8 9 वाले भी संख्या रहे, ज़्यादा रहे। तो अभी इसको क्या करिए, आप पढ़िए, जिससे क्या होता आपको पता लग जाए कि 7 10 12, ध्यान रखिए बहुत सारे इंग्लिश में क्या बोलेंगे 7 and 3 10, ऐसा नहीं, ये एंड और थ्री को स्किप करिए। वैसे जीवन स्किपिंग करना है, ध्यान रखिएगा अगर जीवन के हर पहलू पर रुकते गए, आप YouTube पे वीडियो आता है पता है आपको, तो एडवर्टाइज आता है तो क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद अपन स्किप कर देते हैं। तो बस जीवन में आपको स्किप करना पड़ेगा, अगर आपने जीवन में स्किप नहीं किया चीज़ों को तो फिर जीवन का रास्ता सफल हो सकेगा। भाई आपको मंजिल पे जाना है कहीं पे, और मंजिल पे जाना है बीच में एक आदमी मिल गया, आधा घंटा आपका चाट गया, उसके बाद एक और आदमी मिल गया, स्किप करना पड़ेगा सब उनको, ठीक है। तो क्या होगा, 7 और 3 10, ये और 3 को हटाना है, 7 10 12 17 19 22 24 29 और 35, ठीक है, हो गया फास्ट। अब इसको और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अभी तो आपने पहली बार बोला था, हो सकता है हेजिटेशन हो, अभी हाँ जी, 7 10 12 17 19 22 24 29 35, फिर जोड़िए 7 10 12 17 19 22 24 29 35, फिर इधर से जोड़िए, भाई क्लॉक वाइज जोड़ा, अब एंटी क्लॉक वाइज जोड़िए, 6 11 13 16 18 23 25 28 और 35, फिर जोड़िए इसको। इससे क्या होता है, आपके टंग पर 6 और 7 13 होते हैं, कब पता चला, पता ही नहीं चलेगा आपको कि वो होते हैं, 8 और 7 5 होता है, 5 मतलब 15 होता है, 9 और 6 15 होते हैं, 8 और 7 15 होते हैं, इस प्रकार की 5 5 4 9 होते हैं, ये चीज़ें आपके दोहे में बैठ जाएगी। ध्यान रखिएगा एक अंक की संख्या को एक अंक की संख्या में जोड़ना कैसे, ऐसे जोड़ना। अब इस गोले को थोड़ा सा बड़ा बनाइए, थोड़ा और बड़ा ही बनाए, चलिए बड़ा बनाता हूँ मैं आपको सामने, इसका जोड़ आपकी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, 3 2 1 2 4 6 7 3 2 9 5 और 4, और इसका 10 सेकंड देता हूँ मैं, 1 2 3 स्टॉप, बस इतनी देर में उत्तर आ जाना चाहिए इसका, इतना ही बड़ा है। कितना उत्तर है मैं बताता हूँ उसका, 7, देखो यहाँ से शुरू करेंगे, 7 10 12 21 26 30 33 35 36 38 42 और 48, 48 इसका उत्तर है, कितनों का उत्तर 48, बिल्कुल। तो इस प्रकार से आपका होना चाहिए, क्या समझ पाए मेरी बात को, ये दो एक अंक में एक अंक को जोड़ना। अब इस सर्कल को और बड़ा बनाइए, और बड़ा बनाइए, और घर पे डेली एक बात लिखिए, अपनी कॉपी में लिखिए, प्लीज़ नोट डाउन, कि मुझे रोज आधे घंटे 9 टैबलेट्स की प्रैक्टिस करना है, प्लीज नोट डाउन ऑन योर नोटबुक लिखिए, मुझे रोज डेली, मतलब मुझे डेली क्या करना है, आधे घंटे 9 टैबलेट्स की प्रैक्टिस करना ही है, करना है नहीं, करना ही है, करना ही है मतलब होता है बिना उसके कुछ उद्धार नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि ज्ञान की परीक्षा नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये परीक्षा किसकी है, कला की, और कला आती है प्रैक्टिस से, ओके। एक अंक की संख्या को एक अंक की संख्या में जोड़ना, ठीक है, इसके लिए मैं आपको बिल्कुल कंप्लीटली जुड़वाऊंगा, आप प्रैक्टिस करिएगा, मैं आपको बिल्कुल तैयार। अब उसके बाद दूसरा है, दो अंक की संख्या में दो अंकों को जोड़ना, पहली टेबलेट हो गई, अब इसको यहीं से कर लो ना, दो अंक की संख्या में दो अंक की संख्या को जोड़ना, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि 25 प्लस 12, देखो इतना सही, मैं हो सकता है मैं आपको यहाँ पे ये भी दे दूँ, 13 प्लस 17, अब इसका कितना होता है,
वैसे कोशिश है कि आपकी जो जरूरत पड़ेगी वो जरूरत यही रहेगी कि इन दोनों को जोड़ना, बस इससे ज़्यादा को नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि ऐसा क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, सर मैं बताऊँ आपको, यह 187 गुणित यहाँ पे हो गया, माना कि 23 का गुणा करना है, यहाँ पे माना कि करना है 19 का गुणा, यहाँ पे माना कि गुणा करना है आपने 29 का गुणा करना। इस प्रकार की अगर गुणा करोगे तो यहाँ पर गुणा, जैसे कि थोड़ी देर के लिए 19 का गुणा करना है, तो 19 साथ कितना होता है, कितना होता है 19 साथ? अब सोचो सर ये आता नहीं है ना, आप ही देख लो अपने हिसाब से कितना होता है 19 साथ, हैं 163 हैं 19, 38, 57, 76, 95, उसके बाद 114 और 133। अब ये आपको फास्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे 19 आते 133 हुआ 13 बचा, 19 आठे कितना हुआ 152 हुआ, तो इस 152 में 13 को जोड़ना, मेरी बात को समझना है, चीज़ों की जितनी मर्म, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली है, प्रूव्ड है, इसको बात को पहले मैं कह सकता हूँ मेरा कॉपीराइट है इसमें ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे 19 × 7 कितना होता है, 19 × 7 कितना होता है 133 का 3 हासिल कितना बचा 13 बचा। अब ये सब माइंड में रखना है, जब तक आप प्रैक्टिस करोगे 19 × 133 = 3 × 19 = 152 152 में कितना जोड़ना है 13 जोड़ना, तो आपका 165 यही जुड़ जाना चाहिए, 165 क्यों रहा, 165 मतलब 16 बचा, 19 और 16 कितना होता है, 19 और 16 कितना होता है 33 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे देखो 19 में 16 जोड़ना आया और उसके बाद 152 में आपका कितना जोड़ना आया 13 जोड़ना आया। ये सारी चीज़ें क्या है, इस 52 में 13 जोड़ना, 19 में 16 जोड़ना, यहाँ पर आया कि नहीं, इसका मतलब होता है ये दो अंक में दो अंक जोड़ना, इसलिए ये ज़रूरत है भाई। आपको क्यों सिखा रहा हूँ, मैंने इसलिए कहा कि आपको दो अंक में दो अंक जोड़ना, बस यही काफी। इसके लिए हम प्रैक्टिस पे, ये तो ठीक है प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो 25 12 भाई आपको बताओ ना, 37 13 17 30 होता है, 17 30 12 42 और 25 कितना होता है, कितना होता है 42 और 25 है ना, कितना होता है, अरे यार सब 67 बस ये हो गया। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें पता होना चाहिए, तो ये दो अंकों में दो अंकों की संख्या का हो गया। क्या आप मेरी बात को समझ पाए यहाँ पे? तो आज हमने इस पूरे सेशन में क्या समझा, उस पूरे को चीज़ें, और आपको क्या घर पे पढ़ना है। एक रिक्वेस्ट है आपसे मेरे कि अगर आप यहाँ पे विश्वास के साथ, देखो सबसे बड़ी बात तो जीवन में कभी भी होता है, जैसे हम भगवान के पास आते हैं, हमारे पास बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, भगवान है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, पर सबसे इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ होती है, वो है आस्था यानी फेथ, विश्वास। आपको पता है हमारा अवचेतन मन भी उसी के ऊपर कार्य करता है, अगर हमने सोच लिया कि ये गोली जो मेरे मुंह में जा रही है ये मुझे सही कर देगी, तो ये गारंटी है कि वो गोली 10% काम करेगी, आपका अवचेतन मन उसको 90% काम करेगा। इट इज़ द थ्योरी ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो है ना आपका अवचेतन मन, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप जो जितने भी यहाँ पर जो देख रहे हैं, वो सभी अगर बिल्कुल फेथ के साथ, एक विश्वास के साथ, एक आस्था के साथ इस चैनल के साथ जुड़ेंगे, तो डेफिनेटली मैं भी आपको अपना 100% दे पाऊँगा और हमारी सफलता जो है वो हमारे बिल्कुल सामने होगी, ठीक है। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि हम मॉक टेस्ट जो गुरुवार से लेके आ रहे हैं, मॉक टेस्ट के साथ साथ हम मॉक टेस्ट में रीजनिंग और मैथ्स रहेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक ऐप की लिंक दे रखी है, उस ऐप से वो ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए, या फिर प्ले स्टोर में आप जाएंगे प्ले स्टोर, तो उसमें लिखा होगा मैथ्स बाय मुकेश परिहार, मैथ्स बाय मुकेश परिहार, ठीक है, तो वहां जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे ये आपको मॉक टेस्ट वहीं पर मिलेगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे रखी है, अपने दोस्तों को सभी को बताइए, शेयर करिए, और जितना आप करेंगे उतना आपको पता चलेगा कि कंपटीशन, क्योंकि मॉक टेस्ट के जो रिजल्ट हैं उसको हम बताएंगे कि भाई इतने नंबर प्राप्त हुए, और उसके बाद उसका हम सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। तो बस इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि हम इस प्रकार से जुड़े रहेंगे, और ये जो RRB है उसको हम 101% क्रैक करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।